तो गाइस क्राउन ज्वेल के लिए अब तक के सारे मैचेस यहां पर ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं WWE के लिए। तो इस बार के क्राउन ज्वेल में लगभग 7 से 8 मैचेस को यहां पर ऑफिशियली कंफर्म किया गया। आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से मैचेस होने वाले हैं। उसके बाद गाइस इस वीडियो में ये भी बात करने वाले हैं कि आखिर उस मैच का यहां पर विनर और लूजर कौन होने वाला है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं इस बार का जो क्राउन ज्वेल होने वाला वो होगा यहाँ पर 2 नवंबर को और ये होगा यहाँ पर हर बार की तरह सऊदी अरबिया के रियाद में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं सबसे पहले मैच के बारे में जो कि देखने को मिलेगा इस बार के क्राउन ज्वेल में ब्लड लाइन के बीच, जहाँ एक तरफ देखने को मिलेगा रोमेज की टीम और दूसरी तरफ वही देखने को मिलेगा यहाँ पर सोलो सिकोवा की टीम। रोमेज के साइड होंगे जे उसो जेमी उसो और वही वहाँ पर सोलो सिकोवा के साथ होंगे जैको फादो टामा टोआ और टामा लोआ। वैसे तो गाइस इस मैच को देखने के लिए हम भी काफी एक्साइटेड है क्योंकि ये मैच वन ऑफ द इंटरेस्टिंग मैच होगा। साथ से यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा दी रॉक का भी, क्योंकि गाइस यहाँ पर पिछले 2-3 मैचों से यहाँ पर लगातार दी रॉक का रिटर्न देखने को मिल रहा है जब जब यहाँ पर रोमेज का मैच था। तो गाइस यहाँ पर जाहिर सी बात है ये उनके यहाँ पर ब्लड लाइन के मेंबर्स है तो यहाँ पर उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें इस मैच के विनर को तो इस मैच में यहाँ पर रोमेज और उनकी टीम जीतने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे हमें मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के बीच, यानी कि कोडी रोड जो कि इस समय अंडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है और वही उनके सामने होंगे गुंथर जो कि इस समय वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप है। वैसे तो गाइस इनके बीच यहाँ पर काफी तगड़ा तो यहाँ पर रैलवरी नहीं देखने को मिला, पर इस बार के मंडे नाइट रॉ पे थोड़ा सा यहाँ पर अटैक देखने को मिला था कोडी रोड की तरफ से। और इनमें से यहाँ पर जो विनर होगा वो यहाँ पर होल्ड करेगा न्यू टाइटल जो कि यहाँ पर 15 कैरेट डायमंड से बना हुआ है। तो गाइस इस मैच को जीतने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर पोटेंशियल डिजर्व करते हैं वो है यहाँ पर कोडी रोड। वैसे गाइस आपका क्या मानना है कि इनमें से आखिर कौन विनर हो सकता है, यहाँ पर कोडी रोड होंगे या फिर गुंथर? फिलहाल गाइस यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटिंग ऑड्स यहाँ पर कोडी रोड की तरफ से है तो इस मैच का यहाँ पर कोडी रोड ही विनर होने वाले हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 3 पे हमें मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर नाया जैक वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच। तो गाइस ये मैच भी हमें यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन यानी कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के बीच देखने को मिलेगा। वैसे गाइस इस मैच में यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा जहाँ हो सकता है कि टिफनी स्टेटस आकर इस मैच में यहाँ पर मैन इन द बैंक कैश इन कर दे, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और डोमिनिक मिस्टर यहाँ पर 100% साथ देने वाले हैं लिव मॉर्गन का। और फाइनली अगर बात करें आखिर इस मैच का विनर कौन होने वाला है तो 100% यहाँ पर लिव मॉर्गन इस मैच के विनर होने वाली है, क्योंकि गाइस लिव मॉर्गन काफी समय से यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियन है, उसके साथ साथ वो यहाँ पर WWE के फुल टाइम रेसलर भी हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर लिव मॉर्गन होल्ड कर सकती है न्यू टाइटल जो कि बना होगा यहाँ पर 15 कैरेट डायमंड का। गाइस यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है कि रिया रिपली आकर यहाँ पर अटैक करते पर वहाँ पर कुछ समय से यहाँ पर इंजर्ड है, शायद इनका रिटर्न यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 4 पे हमें मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड के, जहाँ गाइस इनके बीच के रैली यहाँ पर स्टार्ट होती है जब ब्रॉनसन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच यहाँ पर मैच हो रहा था। सेथ रॉलिंस जाकर यहाँ पर अटैक कर देते हैं ब्रॉनसन रीड के ऊपर, तभी से गाइस इनके बीच यहाँ पर रैलवरी स्टार्ट हो चुकी है। गाइस ये दोनों यहाँ पर जाकर एडम स्पियर से काफी फाइट करते हैं तब इनका यहाँ पर मैच अनाउंस होता है ऑफिशियली। अगर बात करें इस मैच के विनर की तो इस मैच में यहाँ पर 100% सेथ रॉलिंस विन करने वाले हैं इस मैच। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 5 मैच हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर केविन ओवन वर्सेस स्टैंडी ऑर्टन के बीच। वैसे इस मैच को देखने में यहाँ पर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, पर यहाँ पर केविन ओवन यहाँ पर गुस्से में आकर कोडी रोड और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर यहाँ पर रैंडी ऑर्टन उनको मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि गाइस केविन ओवन यहाँ पर कोडी रोड और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन की काफी अच्छी दोस्त थी, इसी वजह से यहाँ पर रैंडी ऑर्टन उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे थे, पर गाइस यहाँ पर केविन ओवन वर्सेस रैंडी ऑर्टन की बीच मजबूरी में आकर मैच इनको यहाँ पर अनाउंस करना पड़ा। और गाइस रही बात इस मैच के विनर को तो इस मैच में यहाँ पर 100% यहाँ पर रैंडी ऑर्टन विन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से उनका रिटर्न हुआ है तब से वो यहाँ पर सिंगल मैच एक भी यहाँ पर फाइट नहीं किए हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट नंबर 6 पे मैच हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर ट्रिपल थ्रेड मैच, जहाँ गाइस इस मैच में जो विनर होगा वो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को होल्ड करेगा। वैसे गाइस इस मैच में आपको देखने को मिलेंगे एलए नाइट वर्सेस कार्मेलो हाइस वर्सेस यहाँ पर आंड्रे के बीच। वैसे गाइस अभी कुछ समय पहले यहाँ पर इनके बीच एक मैच हो ही रहा होता जहाँ कार्मेलो हाइस वर्सेस आंड्रे के बीच ये मैच था और एलए नाइट यहाँ पर रेफरी बने हुए थे, तो सारे लोग यहाँ पर मैच फाइट करने के दौरान यहाँ पर आकर उनके ऊपर ही अटैक कर देते थे, जिससे कि गाइस यहाँ पर एलए नाइट गुस्से में आकर यहाँ पर दोनों के ऊपर ही अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ऑफिशियली जाकर इनके बीच एक यहाँ पर मैच अनाउंस हो जाता है। वैसे गाइस अगर बात करें इस मैच के विनर के बारे में तो इस मैच के विनर जो होंगे वहाँ पर एलए नाइट होंगे। उसके बाद गाइस फाइनली लास्ट हमें 7वां मैच देखने को मिलेगा यहाँ पर टैग टीम मैच। तो गाइस इस मैच में यहाँ पर जो विनर होगा वो यहाँ पर होल्ड करेगा न्यू WWE टैग टीम वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। और अगर बात करें यहाँ पर कौन विनर होने वाला है तो यहाँ पर 100% ये कंफर्म नहीं है कि आखिर इस मैच में कौन विन कर सकता है। और वैसे गाइस आपको क्या लगता है आखिर इस मैच का कौन विनर हो गया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे गाइस इस मैच को लेकर यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटिंग ऑड्स यहाँ पर प्रियंका ब्लेयर और जेड कारगिल को लेकर आ रहा है। खैर गाइस यहाँ पर जो भी चैंपियन होगा वो आपको यहाँ पर 2 नवंबर को बाद आपको दिख जाएगा। तो यही रही इस बार के क्राउन ज्वेल के सारे मैच कार्ड और ये सारे विनर जो कि इस
इस बार के यहाँ पर क्राउन जेल में आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।